वीडियो में हम आपको क्लास नाइन्थ का बिहार बोर्ड का आपका क्लास नाइन्थ का एनसीईआरटी मैथ का गणित का 13.8 लास्ट चैप्टर है। इसके बाद एक है ऐच्छिक, ठीक है, लेकिन लास्ट इसी को माना जाए। यह पार्ट वन वीडियो आपका है। टोटल 10 सवाल है, तो इसमें आपको हम पांच आधा सवाल बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, लास्ट चैप्टर है, फर्स्ट और लास्ट चैप्टर जरूर पढ़ना चाहिए, उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए इससे पहले और बाद का बहुत सारा वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। दो गो त्रिज्या दिया है, आयतन निकालना। तो गोला का आयतन बराबर क्या होता है? गोला का आयतन होता है सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब। ये सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए 4/3, ठीक है, पाई का मान हम रखेंगे 22/7। अब 22/7 रखे, पाई का मान हम 22/7 रखे, आय त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया है, तो 7 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 3 बार लिख लें, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, 7 को काट दिए, ठीक है। अब गुना करते हैं, 22 चौक 88, 22 चौक कितना हो जाएगा, 22 चौक हो जाएगा 88, 22 चौक 88, ये 22 चौक 88 गुना 7 × 7 = 49 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 3 बार है तो क्यूब, ठीक है, 3 है सभी के बटा में तो 3 बराबर। अब 49 और 88 को गुना करेंगे, ठीक है, 49 और 88 को गुना करेंगे तो हमारा 4312 आ जाएगा। हम गुना करके रखे हुए 4312 बट्टा में 3। अब इसको, ये आपका आंसर हो गया सेंटीमीटर क्यूब। अब कहिएगा आंसर तो नहीं मिल रहा है, आंसर पूर्णांक में दिया है, पूर्णांक में दिया है तो आपको बता देते हैं, आपका आंसर हो जाएगा 1437 पूर्णांक 1/3 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर, ठीक है, आपका पहला सवाल सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका दूसरा सवाल है, 0.63 दिया गया है, चलिए इसको कर लेते हैं, ठीक है, इसको कर लेते हैं, 0.63 आपका मीटर, ये त्रिज्या दिया है, तो फिर यहाँ पर आयतन लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब। बस इस चैप्टर में आपका कैलकुलेशन से बहुत दर्शन होने वाला है, इसीलिए ध्यान दीजिए, 4/3 पाई का मान 22/7 गुना त्रिज्या 0.63 है तो 0.63 मीटर क्यूब है तो 3 बार कर लिए। अब काटिए 7 × 63 दो अंक के बाद दशमलव मीटर में, 3 से काटिए 3 × 6 = 3 0.21 मीटर, ठीक है, गुना कीजिए 22 चौक 88 गुना 0.09 मीटर गुना 0.21 मीटर गुना 0.63 मीटर। सारा गुना करना है, और कैलकुलेशन आपका जितना हार्ड रहेगा, फास्ट रहेगा, उतना जल्दी सवाल बनेगा। तो हम इसको गुना करके रखे हुए हैं, 1.05 आता है, 1.05 मीटर क्यूब, ये हमारा आंसर। तो आप देख लिए कितना कम समय में आपका ये सवाल सॉल्व हुआ, आप स्क्रीनशॉट इसका कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए या विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न। बोल ही दिया आयतन, आयतन ही निकालना ही है, तो आयतन निकालना, व्यास दिया है, तो व्यास दिया है तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटा 2 होता है, 28 सेंटीमीटर बटा 2 कीजिएगा, काटिए 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है। अब इसमें भी आप आयतन बराबर सूत्र लगाइए, 4/3 पाई आर क्यूब, जैसे इससे पहले वाले में किए थे, बराबर 4/3 पाई का मान 22/7 त्रिज्या, त्रिज्या देखिए 14 सेंटीमीटर क्यूब है तो 3 बार 14 सेंटीमीटर गुना 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 को काट दीजिए, 7 × 14, अब गुना कीजिए 22 चौक 88 और 8 × 16 = 17 सेंटीमीटर, 14 × 14 = 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बट्टा में 3 है तो बट्टा में 3 बराबर, दोनों को गुना करेंगे, ठीक है, तो दोनों को गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 34496, हम गुना करके लिखे हैं 34496 सेंटीमीटर क्यूब और बट्टा 3। अब ये आंसर नहीं मिलेगा, पूर्णांक में तोड़ना है, तो पूर्णांक में तोड़ना है तो 11498
पूर्णांक 2/3 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर। कहिएगा सर ये कैसे, आप इसको गुना करिएगा इतना आएगा, फिर इसमें भाग देना है, 3 बट्टा में है, बट्टा में ही लिखना है, भाग देने के बाद जो शेष आएगा ऊपर में, जो भागफल आएगा नीचे में, लिख दीजिएगा आपका आंसर बिल्कुल मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट कर लिया कीजिए उसी समय, नहीं तो लास्ट में आपको मौका देंगे स्क्रीनशॉट करने का। 0.21 मीटर है ये व्यास है, तो व्यास है तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, 0.21 मीटर बटे 2, 2 से भाग दीजिए 10 × 2 = 20 और 2 × 5 = 10 और 2 अंक के बाद दशमलव देंगे बराबर 1.05 मीटर। ठीक है, आयतन निकालिए 4/3 गोला का पाई आर क्यूब, फिर वही फॉर्मूला वही कैलकुलेशन। अब तो आप भी कहिएगा सर छोड़ दीजिए हम कर लेंगे, बट हम कर देते हैं आप देख लीजिए। आर क्यू 1.05 मीटर 3 बार है तो 3 बार, ठीक है। देखिए 7 से इसको काटते हैं तो 10 है तो 7 × 7 3 बचता है, 7 × 5 = 35 2 अंक के बाद 0.05 मीटर। ठीक है, 3 से काट दीजिए इसको, 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 15 2 अंक के बाद 0.05 मीटर। सब बच गया जो उसको गुणा करते हैं, 22 × 4 = 88 ठीक है, और गुना 0.15 मीटर गुना 0.35 मीटर गुना 1.05 मीटर। अब इन सब को हम गुना करेंगे, तो सभी को गुना करेंगे, आपका दूसरा सवाल है, सभी को गुना करेंगे तो आ जाएगा 0.00485 0.00481 मीटर क्यूब ये आपका आंसर। हम पहले से गुणा कर लिए ताकि आपका अधिक टाइम हम नहीं ले पाएँ, आपका कम समय में अधिक सवाल बता पाए। ठीक है, दूसरा सवाल कंप्लीट हुआ। तीसरा सवाल ध्यान दीजिएगा, तीसरा सवाल धातु की एक गेंद है, गेंद आप देखे होंगे, व्यास 4.2 सेंटीमीटर, तो व्यास गेंद का दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या आर बराबर होता है व्यास बट्टे 2, तो 4.2 सेंटीमीटर बट्टे 2 काटिए तो 2.1 सेंटीमीटर बार में कट जाए। ठीक है, अब यदि धातु का घनत्व 8.9 ग्राम/cm³ घनत्व बराबर 8.9 ग्राम/cm³ हो तो गेंद का द्रव्यमान, द्रव्यमान मास फिजिक्स में पढ़े होंगे, भार इसको कहते हैं, हमको निकालना है आयतन, सेंटीमीटर क्यूब आयतन ही आएगा, आयतन निकालने के बाद उसमें 8.9 से गुना कर देना। चलिए निकाल लेते हैं आयतन, तो गेंद गोलाकार होता है 4/3 और पाई आर क्यूब, फिर वही बात, चलिए बराबर 4/3 पाई का मान 22/7 आर त्रिज्या, त्रिज्या अभी आपको 2.1 सेंटीमीटर आया तो 2.1 सेंटीमीटर 3 बार है तो 2.1 सेंटीमीटर गुना 2.1 सेंटीमीटर ठीक है, 2.1 सेंटीमीटर। अब कर दीजिए 3×7 = 21 7 बार में 1 अंक के बाद 0.05 मीटर और 7 से काट दीजिए 1 बार में 1 अंक के बाद 0.1 मीटर में कटा, 22 × 4 = 88 को 1 से गुना करेंगे 1 अंक के बाद 0.8 मीटर गुना 2.1 को गुना करेंगे 21 × 21 441 होता है 2 अंक के बाद 0.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ना है, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए दोनों को गुना कर देंगे, तो दोनों को गुना करेंगे, तीसरा सवाल हमारा है, दोनों को गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 38.808 लगभग में इतना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। आपको पता था 8.9 ग्राम बोल रहा है ना 1/cm³, तो ये बात हमको दर्शाना है, लिखेंगे चूँकि 1 cm³ का घनत्व बराबर 1 × 8.9 ग्राम, इसलिए इतना का 38.808 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसमें भी हो जाएगा 8.9 से गुना, गुना करने के बाद हम गुना करके रखे हुए हैं, आ जाएगा 345.39 ग्राम आंसर होगा किलोग्राम में, तो 1000 से आप भाग कर दीजिएगा क्योंकि आपको पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो आ जाएगा 0.34539 किलोग्राम। ठीक है, तीसरा सवाल था ये 13.8 का, तीसरा सवाल ग्राम में ही आंसर है, लगभग में इतना ही आंसर है। ठीक है, तो आगे नहीं बढ़ना है, आंसर जितना है आपका उतना ही देना है। ठीक है,
ये आपका आंसर आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये था आपका तीसरा सवाल। आगे बढ़ते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल आपका है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग एक चौथाई। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का एक चौथाई है। मान लेते हैं, माना पृथ्वी का व्यास d बराबर x, कुछ भी मान सकते हैं, x मान लिए तो त्रिज्या हो जाएगा व्यास बट्टे टू, मतलब x बट्टे टू। ठीक है, अब बोला चंद्रमा का व्यास तथा चंद्रमा, समझिएगा चंद्रमा का व्यास, इनको बड़ी डी मान लेते हैं, अब कितना होगा? तो बोल रहा है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग एक चौथाई है। पृथ्वी का व्यास एक्स है तो चंद्रमा का व्यास एक चौथाई, मतलब एक्स बटा चार, एक बटा चार से गुना कीजिए आ जाएगा। तो इसका त्रिज्या, ये पृथ्वी का व्यास है, अब ये चंद्रमा का, इसका त्रिज्या हो जाएगा व्यास बटे टू। ठीक है, व्यास बटे टू, आर वन आर टू कर देते हैं, वो आर वन आर टू आप किसी को वन टू मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स बट्टा चार पहले से है, दो फिर बट्टा में जाएगा तो हो जाएगा एक्स बट्टा आठ। अब बोल रहा है तो चंद्रमा और पृथ्वी के आयतन कौन सी भिन्न होगी, दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो लिख लेते हैं चंद्रमा का आयतन वी वन बटे पृथ्वी का आयतन, भी टू, दोनों का आयतन का अनुपात निकालना है। ठीक है, चलिए दोनों का आयतन, चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा भी गोल होता है, फोर पाई आर क्यू, लेकिन चंद्रमा का त्रिज्या आर वन मानने हैं तो आर वन लिख देंगे। पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी भी गोल होता है तो फोर पाई आर क्यू, लेकिन इसके त्रिज्या को टू माने, देखिए फोर पाई, फोर पाई कट गया, ऊपर में आर वन क्यू, नीचे में आर टू क्यू, तो आर वन एक्स बटा आठ है तो एक्स बटा आठ क्यूब, इसके बट्टे में आर टू एक्स बट्टे टू है तो एक्स बट्टे टू का क्यूब। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, बिल्कुल आसानी से बनाएंगे, एक्स का क्यूब हो जाएगा एक्स का तीन पावर, आठ का हो जाएगा आठ गुने आठ गुने आठ। ठीक है, ये भाग में है तो भाग में दे देते हैं, एक्स का क्यूब एक्स क्यूब, दो का क्यूब दो गुना दो गुना दो, भाग का उल्टा गुना हो जाएगा बराबर एक्स क्यूब बटा आठ गुना आठ अगुना आठ अगुना, ये ऊपर भाग का उल्टा गुना होगा तो जो नीचे होता है वो ऊपर जाता है, जो ऊपर है वो नीचे, तो एक्स क्यूब गया। अब काटिए, दो चौक आठ, दो दुना चार, दो दो गया, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो एक, नीचे में देखिए दो गो आठ, आठ गुना आठ अठी अठी चौंसठ, एक बटा चौंसठ या एक अनुपात चौंसठ, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये आपका चौथा सवाल है, एक अनुपात चौंसठ इसका आंसर आया, और इसका आंसर 13.8 का बिल्कुल एक बटा चौंसठ आपका मिल रहा है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, स्क्रीनशॉट, और ये आपका पार्ट वन का ये पांचवा और लास्ट सवाल है, इसके बाद पार्ट टू में हम छः से जानेंगे। क्वेश्चन इसमें है, व्यास 10.5 सेंटीमीटर व्यास दिया गया है, व्यास d बराबर 10.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा व्यास बटे टू। ठीक है, व्यास बटे टू तो 10.5 सेंटीमीटर बटे टू। ठीक है, तो भाग दे दीजिए, दो पंचे दस, अब पॉइंट 25 दुना 50 इतना 5.25 आएगा। अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकते हैं, तो जितना जगह होगा, तो जो वस्तु जितनी जगह छेकती है उसे उस वस्तु का आयतन बोलते हैं, तो आयतन क्वेश्चन, वो भी लीटर में पूछ रहा है, लीटर में, तो हम निकाल लेते हैं आयतन। आयतन गोला का अर्धगोला है, अर्धगोलाकार कटोरा, तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 πr³। 2/3 πr³, ध्यान रखिएगा इस सूत्र को, कुछ नहीं है, आराम से बनेगा सवाल, देखिए बराबर 2/3 π का मान 22/7, r आपका 5.25 दिया हुआ है, तो 5.25 सेंटीमीटर गुना 5.25 सेंटीमीटर क्यूब है तो 3 बार लिख दिए, देखिए 7 से काटिए, 7 × 7 = 49, 3 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, दो अंक के बाद दशमलव, 3 से काटिए
25 या 75 0.25 सेंटीमीटर। अब सभी को गुना कर लेते हैं, 22 दुना 44 गुना 0.25 सेंटीमीटर गुना 5.25 सेंटीमीटर और फिर गुना 5.25 सेंटीमीटर, ये सारा जो बचा हुआ था इसको लिख लेते हैं। अब तीनों को हम गुना करके रखे हुए हैं, 303.18 ठीक है सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं, तो 303.18 सेंटीमीटर क्यूब, इसमें आप 1000 से भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 0.30318 लीटर, यही आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए इस प्रकार से आपको जो है हम प्रश्नावली 13.8 का ये पार्ट वन वीडियो बताए, ये पांचवा सवाल था, ये चौथा सवाल, ये तीसरा, ये दूसरा और ये पहला। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 1 से 5 तक जाना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द ही 13.8 का दूसरा पार्ट और 13.9 का तीनों सवाल आएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।